राव इंद्रजीत के सामने राजा जी को जो पॉइंट रखने चाहिए वो तो एक तो लोकल सिटी का डेवलपमेंट है। देखो जी, भगवान की माया, भगवान के हाथ में सब कुछ ऐसे पैसे तो हारना चाहिए ऐसे। राजा बब्बरी भाई, वोट तो सब अपने मत का है, हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा। भाई मैंने तो मोदी की वोट देनी है। अरे भाई, पुराने नेता है, क्या कहते हैं इंद्रजीत जी? अच्छा, पुराने नेता है कांग्रेस का, उल्टा हल्का है बीजेपी के हिसाब से। अब काम हो रहे हैं, रोड फोड दुनिया भर के बन रहे हैं, और दवा दो रोड बना है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपोर्टर जी में। रिपोर्टर जी की टीम एक बार फिर गुरुग्राम लोकसभा सीट के समीकरण जानने जनता के बीच उतरी है और जनता से जानेंगे कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस की कितनी टक्कर रहने वाली है और किन मुद्दों को लेकर वह इस बार वोट करने वाले हैं। तो चलिए जनता से रूबरू होते हैं भाई। हाँ, तो अब फिर आपके बीच आपकी सेवा करने उतरा है राज बब्बर, तो कैसा देखते हैं, उनको वोट दोगे नहीं दोगे? भाई वोट तो सब अपने मत का है, हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा। अच्छा, जैसा बीजेपी ने काम करा गुड़गांव में, आप देखो द्वारका एक्सप्रेस वे जाके लगता है जैसे बम्बई आ गई, गुड़गांव चमका दिया है राव इंद्रजीत ने। तो विपक्ष सवाल उठाता है कि ना हॉस्पिटल बनाया, ना बस स्टैंड बनाया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना कैंसर का, ये बाढ़ साहब ने झज्जर में लगता है, और एक हॉस्पिटल राव इंद्रजीत के उधर ही बन रहा है रेवाड़ी में, वो भी एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो भी। तो काम तो हो रहे हैं। तो कांग्रेस के जानते हो? हाँ जानते हैं राजू। कैसे जानते भाई? वो जैसे इसका नाम आया उससे जानते, उससे पहले भी फिल्म सुना है। तो बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत को तो जानती हूँ। हाँ, उसको जानते हूँ। क्या लगता है कांग्रेस के जो राज बब्बर है बीजेपी के प्रत्याशी को वो दे पाएंगे टक्कर? भाई टक्कर वो करते देखो पब्लिक के रुझान के पता लगा, पर ज्यादा कर इंद्रजीत का हिसाब किताब बनेगा। क्या क्या क्यों राज बब्बर का क्यों नहीं देगा? कुछ कांग्रेस का पलड़ा हल्का है, लगता नहीं है कि जो ये गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में वो कहीं ना कहीं काम खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस अंदर ही अंदर? वो अंदर अंदर ये है ना कि जो पुराने आदमी हो, पुराने तो दो चार हैं, उनको नहीं उठा पा रहे हैं, नए नए वोट कर रहे हैं ना। अंकल जी, राज बब्बर आगरा से 5 बार सांसद रहे हैं लगातार, वो तो अब आए हैं ना, ये इससे पहले तो कोई ना उठ रहा है ना, जैसा हरियाणा में पहला चुनाव है राज बब्बर का, तो यही मुश्किल लग रही है कि राव इंद्रजीत को टक्कर नहीं दे पाएगा, है ना? राव इंद्रजीत भी काफी बैठ काशी गुरुग्राम से हैं जो, उनको जानते हो? हाँ, राज बब्बर सिंह है जी, वो फिल्मी सिटी से आते हैं वो। कैसे जानते हो? उनकी पिक्चर देखी है, खूब बढ़िया पिक्चर चल रही है उनकी। अच्छा। दवा के हमारे बढ़िया काम है उनका टॉप। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी को जानते हो? बीजेपी के प्रत्याशी हमारे इंद्रजीत जी। हाँ। तो क्या लगता है कि राज बब्बर इंद्रजीत को हरा पाएंगे इस बार? देखो जी, भगवान की माया, भगवान के हाथ में सब कुछ ऐसे पैसे तो हारना चाहिए ऐसे राज बब्बर ही। ऐसा क्यों? अरे भाई, पुराने नेता है, क्या कहते हैं इंद्रजीत जी? अच्छा, पुराने नेता है। तो आम जनता कह रही है कि हॉस्पिटल नहीं बनवाया अभी तक सांसद ने, सब काम हो रहे हैं, रोड फोड दुनिया भर के बन रहे हैं, और दवा दो रोड बना है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, इस बार बीजेपी को जितवाने वाले हैं? देखो जी, हो सकता है भगवान की माया है, जनता की भगवान की थोड़ी माया तो जनता के मूड की बात है। अब मेरे कहने पे तो नहीं है, जनता का मूड अलग है, ठीक है, जनता किसी तरफ करवट बैठ जाए, ठीक है, जनता के ऊपर है ना। तो क्या मान रहे हैं इस बार गुड़गांव लोकसभा से, क्या मान रहे हैं? इतने सारे प्रत्याशी है, उतने किसको देख रहे हैं? देखो जी, हमारी तो दिख रही दो आदमी की टक्कर, राव इंद्रजीत और तुम्हारा यही। कि कांग्रेस, सबसे पहले ये बताइए कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है गुरुग्राम लोकसभा से? राज बब्बर। कैसे जानते हो राज बब्बर को? फिल्म स्टार है, लोकसभा के सदस्य रहे कई बार। बीजेपी के प्रत्याशी कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? राव इंद्रजीत सिंह, हम बता दिए आपको आज। कैसे क्यों जीतेगा? जीत गया है हमेशा मोदी के नाम से, लोग तो रामदेव जी के नाम नहीं मोदी के नाम से वोट देंगे। राज बब्बर भी कहीं ना कहीं 5 बार सांसद रहे हैं। सांसद राज बब्बर कहाँ, इसको मैंने बाहर रहते हैं तो बीजेपी के हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत तो 20 साल से ही सांसद बने हुए, वही रहेंगे, मतलब मेन तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना, 400 के पार, अब की बार 400 के पार। किसके किसको वोट करने वाले हो इस बार? भाई मैंने तो मोदी की वोट देनी है।
अच्छा, तो गुड़गांव में किसको टक्कर में मान रहे हो? गुड़गांव में हम तो बीजेपी को टक्कर में मान रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जानते हो गुड़गांव से जो खड़ा हुआ है? हाँ। क्या नाम है उसका? राजबब्बर। तो लगता है कि वो जो रामिंदर जी का उसको टक्कर दे पाएगा वो? हाँ बिल्कुल दे पाएगा। तो अभी आप कह रहे हो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो राव इंदरजीत जीतते हुए देख रहे हो या राजबब्बर? राव इंदरजीत। तो क्या राजबब्बर क्यों नहीं दे सकते टक्कर? वो भारी आदमी है ना, उसको कौन देगा, कौन सपोर्ट करेगा, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगी। तो राव इंदरजीत की टक्कर मान लिया। तो राव इंदरजीत ने अभी तक कुछ लोग जो कहते हैं कि कुछ नहीं करा सरकारी नहीं किया, पर लेकिन वो यहाँ के निवासी पे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं आसपास के, ये बात। तो देखो भारी आदमी को कुछ लोग बात चाहते भी हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। मतलब कांग्रेस का प्रत्याशी जो राज बब्बर है, हाँ, उसको मतलब वो नहीं हरा पाएगा राव इंदरजीत? नहीं। तो कैसे जानते हो राज बब्बर को? राज बब्बर को देखो, एक तो सबसे पहली बात है वो बाहरी आदमी है, जानते तो खूब है, फिल्म स्टार है वो, पर एक तो बाहरी आदमी है वो, इसलिए लोग बात कुछ कम सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मेरा जगदीश है। कहाँ रहते हो? मैं राजस्थान का रहने वाला। इसको इस बार वोट करने वाले हैं आप? वो तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर हाँ ठीक है, मुद्दे हैं जो लग रहा है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके, जिस आधार पे आप वोट करेंगे? मैं तो डेवलपमेंट वाला ही देख रहा हूँ, डेवलपमेंट 20 साल से सही बन रही है गुड़गांव में, कोई ऐसा 2 किलोमीटर का स्ट्रेच नहीं है या कोई गड्ढा ना हो, पूरा रोड का नेटवर्क बहुत पुअर है विद इन सिटी, और आपका लगता नहीं है कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, पहले तो आप ये बताइए कांग्रेस के प्रत्याशी को जानते हैं आप? राजबब्बर जी। राजबब्बर? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि राजबब्बर जी बीजेपी के प्रत्याशी रामिंदर जीत को टक्कर दे पाएंगे? माहौल देखते हुए तो लगता नहीं कि इतना कोई फाइट ऐसा कुछ होने वाला है, पर हाँ लोगों को फिर भी यदि लगता है कि यहाँ 20 साल से एक आदमी एमपी है और क्या सिचुएशन अभी है, तो उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए। तो किन कामों पर राजबब्बर जी को काम करना पड़ेगा, जनता को लुभाना पड़ेगा कि ये काम करके दिखाएंगे हम, जब ही राव इंदरजीत को नहीं पब्लिक कांग्रेस को वोट देगी? राव इंदरजीत के सामने राजबब्बर जी को जो पॉइंट्स रखने चाहिए वो तो एक तो लोकल सिटी का डेवलपमेंट है, इसमें आप लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें पब्लिक के लिए, तो यदि गर्ल्स को 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो यहाँ कोई सेफ मोड नहीं है, वो बस सिर्फ गुरुगमन चलिए, वो सिर्फ कहने के लिए चलिए, कोई उसका सिस्टमेटिक तो अभी है नहीं, और उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी को बच्चे को आधे घंटे में स्कूल कॉलेज कहीं पहुँचना है तो 2 घंटे लगते हैं। तो यानी कि ओवरऑल लोकल ट्रांसपोर्टेशन लोकल डेवलपमेंट के काम पे होना चाहिए, विद इन सिटी की रोड्स हैं, स्टेशन लोकल जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, मतलब यदि कहीं कोई जॉब पे भी किसी को जाना है विद इन सिटी या गुड़गांव से दिल्ली जाना है या कहीं आसपास, या आप भी समझ लीजिए जो विद इन 100 किलोमीटर के रेडियस में जो टाउन है उन्हीं को गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ता है, तो बस की छत पे बैठ के आना पड़ता है उनको। तो ओवरऑल आप किसकी जीत मान रहे हो, कांग्रेस के राजबब्बर की या बीजेपी? देखिए यदि काम को देखते हुए करें तो राव इंदरजीत को इस टाइम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताया जैसे रिवाड़ी से किसी को आना है, झज्जर से किसी को आना है, फारूकनगर से यहाँ पे किसी को, गुड़गांव में काम करने के लिए बच्चा आ रहा है, अपनी गाड़ी अपना कन्वीनियंट तो आ जाएगा, नहीं तो बस की छत पे बैठ के आते हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ। तो ये हमारे साथ गुरुग्राम की जनता थी, फिलहाल ये समीकरण कितने सच होंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। गुरुग्राम से रिपोर्टर जी के लिए हिमांशु नायक।